हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्लस टू का यूनिट एट्थ का सेकंड लेक्चर, जो कि है बोहर एटम मॉडल। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका, दो टॉपिक किए थे हमने, एक था आपका जे जे थॉमसन और सेकंड था हमारा रदरफोर्ड, जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने। ठीक है, अभी है बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के अंदर आपके तीन पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है? पोस्टुलेट फर्स्ट क्या था आपके, कि एक अपना एटम है। इन्होंने कहा था कि एटम एटम के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी सर्कुलर ऑर्बिट्स, और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स जो मूव करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स होती है। वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रही है? सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं सर्कल के अंदर, तो फोर्स लग रही है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रहा है। वो फोर्स कौन सी है? ये कूलम्स लॉ यूज करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 πε₀ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 लिया है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं Zd। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। Z की वैल्यू 1 यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर जो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? 1 होता है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है? 1। और 1/4 πε₀ क्या होता है आपका? 1/4 πε₀ का सिंपल लिखते हैं K। K इज कॉल्ड कूलम्स कॉन्स्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई आपके पास एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक आपके पास आ गई ये आ गई फर्स्ट और ये सेकंड। इन्होंने क्या इन दोनों को कर दिया इक्वल, तो हमारे पास क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के, इसको मैंने के लिखा, के जेड इंटू ई इंटू ई स्क्वायर। क्या बन जाए? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई, क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में इन्होंने क्या बताया कि चेंज जो आपका एंगुलर मोमेंटम, अगर आपका देखो रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अंदर कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला दिया एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कहता है एम वी आर इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। ये फॉर्मूला दिया इन्होंने, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2π। इसको ड्राइव नहीं किया, तो यही इनकी लिमिटेशन भी है क्योंकि इन्होंने ड्राइव नहीं किया। एन क्या है? नंबर। और एच बाय 2π ये कांस्टेंट है। एच क्या है यहाँ पे? एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ये स्टूडेंट्स ये होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ये स्टूडेंट्स ये आपका था सेकेंड पोस्टुलेट। ये फर्स्ट और ये आपके पास आ गया सेकंड। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या दिया इन्होंने कि थर्ड मींस टोटल एनर्जी इन्होंने दिया। देखो अगर हमारे पास दो लेवल हैं, एक है E1 और एक लेवल है हमारे पास E2। अभी यहाँ से E1 से E2 जाएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब, और E2 से E1 आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और ई किसके इक्वल होता है आपका? H nu। H nu किसके इक्वल आ गया आपका? E2 माइनस E1। तो ये तीन आपके पास इक्वेशन आ गई, ये तीन पोस्टुलेट्स आ गए आपके। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट कि एटम एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन सी फोर्स के साथ? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जो ये इसको सर्कल में मूव करने के लिए या इसको पाथ प्रोवाइड करवा रही है। तो ये फोर्स कौन सी है आपकी? कूलम्स लॉ वाली 1/4 πε₀ ई इंटू जेड ई। ये क्या हो जाएगा? जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। और 1/4 πε₀ को इजी करने के लिए क्या यूज कर लिया हमने? के। के क्या होता है आपका? कूलम कॉन्स्टेंट। इन दोनों को इक्वल रखा तो क्या हो जाएगा? एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था हमारा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। ये एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। थर्ड क्या है आपका? टोटल एनर्जी मींस E2 माइनस E1। तो E क्या होता है आपके पास? H nu। H nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर स्टूडेंट। और न्यू की वैल्यू आपको
बताया न्यू माइनस फ्रीक्वेंसी दैट इज सी बाय लैम्डा, एस सी बाय लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, ई टू माइनस ई वन, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये थे आपके 3 पोस्टुलेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी मैं इन तीनों इक्वेशंस को यहां लिख रहा हूं एक साइड पे, फिर इसके बाद हम इसकी थ्योरी करेंगे, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलेस क्या क्या है अपने पास, जो 3 पोस्टुलेट्स थे, फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास ये एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, और थर्ड है ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू। ये 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, जो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम इनकी कर रहे हैं बोहर थ्योरी, क्या करने जा रहे हैं, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियाई, रेडियस फाइंड करना है हमें किसके लिए, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर स्टूडेंट, ये हम फाइंड कर रहे हैं रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब रेडियस को ऐसे फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूँ, तो उसमें हम ये 2 इक्वेशंस का यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। जब हमें एनर्जी फाइंड करनी होगी तब हम थर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकेंड यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, ये आपकी फर्स्ट थी। अभी क्या करना है आपको, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन का यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हम क्या निकालेंगे, रेडियाई निकालना है, पर रेडियाई नहीं, हम निकालेंगे यहाँ से वेलोसिटी। तो वी क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो एन एच बाय 2 पाई एम आर, ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से निकलना है वी और ये एम आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, एन एच बाय 2 पाई एम आर। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, मीन सब्स्टिट्यूट या पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, वी गेट क्या, देखो ये क्या है आपका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम सेम रख लिया, आर को आर, वी स्क्वायर इसको स्केयर करोगे क्या आ जाएगा, एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 2 स्केयर मतलब 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। अभी देखो आर स्केयर से आर स्केयर इस साइड कैंसिल, एम से एम एक कैंसिल, क्लियर, और यहां से आर निकालना है तो आर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम, एक एम आपका कैंसिल हो गया था, 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। तो ये जो फॉर्मूला आ गया आपका, ये फॉर्मूला किसका आ गया आपका, रेडियस का। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसका आ गया आपका, रेडियस का। अभी हमें इसके अंदर एच की वैल्यू पता है, एम के जेड और ई की वैल्यू। देखो एच की वैल्यू क्या होती है, एच के आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³⁶ केजी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, के, के क्या होता है आपका कूलम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जेड, जेड की वैल्यू अगर हाइड्रोजन है तो यूज करना है 1। क्लियर, जेड की वैल्यू क्या है आपकी 1। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स, सारे फैक्टर हमें पता है, रह गया डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एन स्क्वायर के ऊपर। तो यहां से हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अगर जेड हाइड्रोजन है फिर तो 1 है, नहीं तो यहां लिखेंगे एन स्क्वायर बाय जेड। क्लियर, ये स्टूडेंट्स ये आपका फैक्टर आ गया जेड, अगर हाइड्रोजन है तो हमारा क्या आ गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर एन की वैल्यू, इफ एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू पहले आएगी आपकी 1, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1,
क्लियर। और टू फोर थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, यहाँ से ऐसे बनेगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन हुआ कि इनकी जो रेशो है, या कह सकते हैं कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं, ये हमारे पास आ गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आ गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, और इन सब की जो वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यूज है, इनको जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो हमारे पास क्या आया, आर स्केयर, ये तो एन स्केयर पॉइंट जेड को छोड़ गए, बाकी सारी वैल्यू जो आई वो आई 5.29 इंटू 10 इंच पर माइनस 11 मीटर। क्या आया, 5.29 इंटू 10 इंच पर माइनस 11 मीटर। और इसको लिखोगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एक तो एन स्केयर, और साथ में इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 इंच पर माइनस 10 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे एटम्स के। तो यहाँ से क्या आया, आर स्केयर जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके यूज कर रहे अपन, एन स्केयर के। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है बोहर रेडियस, इसी के अंदर ही है नेक्स्ट टॉपिक है जो बोहर रेडियस। बोहर रेडियस को डिनोट किया गया ए नोट के साथ, किसे डिनोट किया, ए नोट। बोहर रेडियस का मतलब सिंपल है कि एन की वैल्यू क्या लेनी है हमने, वन। जब एन की वैल्यू वन करोगे तो एन का स्केयर मतलब वन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, फर्स्ट पे आर की वैल्यू आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये जो फर्स्ट आया है इसी को बोलते हैं बोहर रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो रेडियस कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है आपका, 0.529 एंगस्ट्रॉम। कई बार इसमें एग्जाम में आपका डायमीटर पूछा गया है कि डायमीटर कितना है आपका बोहर रेडियस का, तो डायमीटर इसका डबल करोगे तो ये 0.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रेडियस नहीं, यहाँ आ जाएगा डायमीटर, तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। अभी नेक्स्ट है, इसके अंदर हमें निकालना है वेलोसिटी। फर्स्ट यहाँ से ये हमारे तीन पोस्टुलेट्स थे, और तीन पोस्टुलेट के बाद में हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, वो थी एन स्केयर एच स्केयर पॉन फोर पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। ये हमारे पास आ गया था रेडियस की वैल्यू। क्लियर, यहाँ तक अभी जो फॉर्मूले आ रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर हम निकालना है वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, बाकी सारा सेम ही है। क्या लिखना हमने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का ही यूज करना, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। आपको सिंपली क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है सेकेंड से, तो हमें करना डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो फर्स्ट बाय सेकेंड करोगे तो ये आ गया आपका एम वी स्केयर अपॉन आर एज इट इज, और एम वी आर को नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा एम वी आर इक्वल टू के जेड ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। तो ये डिवाइड करोगे तो एन एच को टू पाई चला जाएगा ऊपर। क्लियर, अभी आर इंटू आर, आर स्केयर से आर स्केयर कैंसल, एम से एम आर कैंसल, एम से एम वी कैंसल, एक वी से वी भी कैंसल। क्या रह गया आपके पास, एक है वी रह जाएगा, तो वी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2 पाई के जेड ई स्केयर अपॉन एन एच। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई के जेड ई स्केयर अपॉन एच। फिर भाई k की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 पर 9, अभी बताया आपको। z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन के केस में 1, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, ये किसके केस में था, हाइड्रोजन के केस में। h क्या था, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.63 इंटू 10 पर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू दो याद रखने वाली हैं, या तो आप शॉर्टकट में करो, मैं दोनों करवाता हूँ। देखो यहाँ से क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू, एक तो आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पे z के ऊपर और एक आपका n के ऊपर, z अपॉन n। z की अगर वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू क्या आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको इन्होंने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू जो आई वाई 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कितनी आई, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये कब आएगी, जब n की वैल्यू क्या होगी 1। ये 1 है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, सारा सोल्व करके 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको सारी वैल्यू नहीं याद, इसका एक और चीज़ है, आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी की इक्वेशन, ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया ये वेलोसिटी वाला, ठीक है, इस वेलोसिटी की इक्वेशन में हमने क्या किया, एक c के साथ मल्टीप्लाई और c के साथ डिवाइड। ये c क्या है आपके पास, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो बाकी रह गया, ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट रह गया, जैसे सारे 2π k, ठीक है, ये c भी ले लिया साथ में h, ये नीचे सिर्फ एक c छोड़ दिया और एक हमने n, मतलब v की वैल्यू जो लिखी वो लिखी 2π kz e² c भी साथ में अपॉन h, नीचे c एक c ऊपर, ठीक है, तो यही वैल्यू अलग और साथ में क्या रख लिया c/n, इसको अलग निकाल लिया। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको मान लिया अल्फा, क्या लेट कर लिया अल्फा, अल्फा c/n, और इस अल्फा को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू निकाली गई सारी सोल्व करके वो आई 1/137। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या आई आपके पास 137। v इज इक्वल टू अल्फा c/n, ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू अल्फा c। अल्फा क्या है, यहाँ मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये हटा ही देते हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू अल्फा c/n, और अल्फा क्या है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है 1/137। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो v क्या आ गया 1/137 टाइम c/n, और c की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3 × 10⁸, c क्या है हमारे पास 3 × 10⁸, तो v क्या आ जाएगा 1/137 × 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर यहाँ से निकाल लो, ठीक है, ये वैल्यू याद रख लो, ये रिजल्ट, ठीक है, तो इजी है आपका, v इज इक्वल टू 1/137 × c/n। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड टॉपिक जिसमें हमने फाइंड की वेलोसिटी। फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया था, रेडियाई, सेकेंड हमने फाइंड कर ली इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट जो आपका है वो हम फाइंड करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, बाकी सारा सेम ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी स्टेशनरी ऑर्बिट। हमारे पास एक रिलेशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2π𝜈, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो v क्या आ जाएगा r, r को एज इट इज ये बन जाएगा 2π𝜈, और न्यू की वैल्यू v अपॉन 2πr, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी है 2πr, अभी हमने v की वैल्यू निकाली थी, क्या आया था हमारे पास अभी रिजल्ट, जो v निकाला था उसकी वैल्यू थी 2π kz e² / nh, अभी हमने सोल्व किया, इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ गई 2π kz e² / nh इंटू में 2πr, 2π से 2π कैंसल आउट, यहाँ से रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला kz e² / nh r, ठीक है। यहाँ से देखो ये r है, अभी हमने प्रूव किया था कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है n square, अगर r को n square सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा n³,
तो यहां से एक रिलेशन आई कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एन क्यू, ये आपका आ गया रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी था लास्ट वाला, ये था आपका न्यू इज इक्वल टू वन बाय एन क्यू, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एन क्यू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोटल एनर्जी। अभी हमने क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, वही टॉपिक आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। अभी हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से कैसे निकलेगा, यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट। यहाँ से क्या करना है, अपने फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करना है, जो कि हमारा क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली देखो आर से आर नीचे कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, या एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर मतलब के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आपका आंसर आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले में, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। भाई के क्यू वन हम ले रहे थे ई, क्यू टू हमारे पास जेड ई अपॉन में आर। क्लियर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज होता है। क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ये जो हमारे पास आ गई, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इसको ऐड कर दो। क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ये आ गया आपके पास के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर प्लस प्लस, यहाँ निशान क्या आपका माइनस, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आप देखोगे कॉमन क्या है, के भी कॉमन, जेड भी कॉमन, ई स्क्वायर भी कॉमन, आर भी कॉमन, तो यहाँ लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये बन जाएगा हाफ माइनस वन। हाफ माइनस वन मीन्स माइनस हाफ, तो आ गया आपकी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। ये जो रिजल्ट आ गया हमारा क्या आ गया, टोटल एनर्जी। ये जो रिजल्ट आ गया हमारा टोटल एनर्जी। अभी आप इन तीनों में कंपेयर करके देखो किन में काइनेटिक एनर्जी क्या आया था हमारे पास। मैं यहाँ लिखा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्या आपको एक चीज मिलेगी सिर्फ, या तो काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, या पोटेंशियल एनर्जी, या टोटल एनर्जी एक दे देंगे। चाहे आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो फाइंड करना होगा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड करना होगा, किसमें, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसमें हाइड्रोजन, यहाँ से रिलेशन बनाएंगे। देखो ये फर्स्ट और थर्ड, ये दो आपको रिलेशन दिख रही है काइनेटिक एनर्जी और ये आप देखोगे टोटल एनर्जी में, तो इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का। तो फर्स्ट और थर्ड से हमने क्या निकाला कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी लिखते थे, ये टोटल एनर्जी को टोटल एनर्जी एज इट इज लिख लिया, माइनस को माइनस। ये फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी मींस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक। क्लियर है स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो रिलेशन है वो क्या है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर यहां से कंपेयर करें, ठीक है, अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अगर मैं इस टू को ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, वो क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी, मींस टू टाइम्स टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशन आपको याद रखनी है, दो ना याद हो तो आप सिर्फ एक याद रखो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। दोनों में कुछ एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो
कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल गिवन है, माइनस करोगे वो काइनेटिक वाली आ जाएगी, टोटल भी पता है आपको, काइनेटिक भी पता है, पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा टोटल एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया हमारा, के या डी स्क्वायर बाय टू आर। देखो एक सेकंड के लिए रिवाइज करा रहा हूँ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज किया, क्या आया एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट, ये एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस एम बी स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आया तो सीधा ही है, के जेड डी स्क्वायर बाय आर, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा फॉर्मूला आ गया ये। अभी इस फॉर्मूला के अंदर हमने आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आया, क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्या आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर। क्लियर स्टूडेंट? अभी ये आर की वैल्यू, अभी हमने फाइंड किया था आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये जो आर जो आ गया हमारे पास, ये जो रिजल्ट है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टू आर, आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर क्या चला जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब ये कैंसिल क्या हो रहा है आपका, देखो ये टू से टू कैंसिल आउट, तो रह गया हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ये टू पाई स्क्वायर, ये हो गया टू पाई स्क्वायर एम के इंटू के के स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर ई फोर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आ गया हमारा, ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम इसके अंदर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कौन कौन सी वैल्यू, एम, एम किसकी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अभी बताया था 9.1 इंटू 10^-31। के, ये अभी कूलम कॉन्स्टेंट, 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जेड की वैल्यू अगर 1, हाइड्रोजन के केस में ई की वैल्यू 1.6 × 10^-19, एच की वैल्यू 6.63 × 10^-34 जूल सेकेंड। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक हमारे पास रह गया एन स्क्वायर, तो इन्होंने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, तो इसकी जो वैल्यू आई टोटल एनर्जी की वो आई 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये हाइड्रोजन है तो ये आएगी, नहीं तो साथ में क्या लग जाएगा आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात ही कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, ये जो यूनिट है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हमारा, ये हमारी आ गई है टोटल एनर्जी। आज हम यहीं तक करेंगे, कल एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है आपका जो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें हम 5 सीरीज करेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट और पिवट सीरीज, उसके बाद आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनाएंगे, ठीक है। और एक नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि जो सेकंड पोस्टुलेट था हमारा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, इसको प्रूव करेंगे यूजिंग डी ब्रोगली रिलेशन से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।